गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन वीडियो क्लास में हम लोग किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो 35 लेकर के मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग का जो चल रहा है वो मानव नेत्र चल रहा है, और मानव नेत्र में हम लोग नेत्र लेंस पढ़ चुके हैं, तो दृष्टि दोष के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मानव नेत्र का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो दृष्टि दोष ही होता है। दृष्टि दोष में हम निकट दृष्टि दोष के बारे में पिछला वीडियो में बता चुके हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती हैं? तो दूर की वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही कट जाती है। दूर की वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही कट जाती है, जिससे प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है, प्रतिबिंब क्लियर नहीं बन पाता है। तो पहले रेटिना के पहले कट जाती है, आखिर क्यों कट जाती है? तो रेटिना के पहले कटने के कारण है क्योंकि फोकस दूरी कम हो जाता है, और फोकस दूरी कम होता है मोटे लेंस का, इसका मतलब हुआ कि इसमें लेंस मोटा हो जाता है। इसमें निकट दृष्टि दोष में लेंस जो है मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है। कह रहा है कि माना कोई वस्तु अधिकतम डी दूरी तक देख पाती है, तो उसका इलाज कैसे करेंगे? तो हमें ऋणात्मक फोकस दूरी के चश्मे का या ऋणात्मक फोकस दूरी के लेंस का इस्तेमाल करना होता है, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा हम लोग मोबाइल ऐप के बारे में समझ लें। मोबाइल ऐप में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है या सब लोग समझें कि मोबाइल ऐप में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मोबाइल ऐप जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सभी स्टूडेंट जो खास करके मेरे पास पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है या एडमिशन होने वाला है, उन सबको मोबाइल ऐप का फॉर्म भरना अत्यंत जरूरी है। मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में होना जरूरी है। इसके कुछ कारण समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे आप अभी पढ़ रहे हो वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर, तो अभी हम चल रहे हैं दोनों जगह, वीडियो मोबाइल में भी डाल रहे हैं और यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं, दोनों जगह डाल रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद, यानी कह सकते हैं किरण प्रकाशी की चैप्टर के बाद, हम केवल मोबाइल ऐप में ही चलेंगे, केवल हम लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से ही पढ़ेंगे। अभी हम मोबाइल ऐप में नहीं अलाउ कर रहे हैं, इसलिए नहीं अलाउ कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल ऐप सबको भी चलाने नहीं आ रहा है, कैसे यूज करना है नहीं करना, अभी नया नया आप लोग यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। तो धीरे धीरे आप 10 दिन 5 दिन में आप हैबिट में आ जाइएगा, जो लोग पहले शुरू में इंस्टॉल किए थे और अब उनको आदत हो गया होगा, अब वो हैबिट में आ गए हैं, इसीलिए जो है हम थोड़ा सा उसमें समय दे रहे हैं। तो अभी तक हम देख पा रहे हैं उसमें कि जितने बच्चों का एडमिशन हो चुका था, अभी वो भी बच्चे सब डाउनलोड नहीं किए हैं। नए बच्चे तो दूर की बात है, जितने बच्चे का मेरे पास एडमिशन हो चुका था सेकेंड ईयर में, उतने बच्चे भी अभी तक मोबाइल ऐप इंस्टॉल नहीं किए, मोबाइल ऐप यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपको यूज करना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि हम लोग उसी पर मिलेंगे किरण प्रकाशी के चैप्टर के बाद। दूसरा बात ये है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा जरूरी इन्फॉर्मेशन, कि हम कल देख रहे थे बच्चों को डाटा बहुत मिस्टेक है। हम पहले बोल चुके हैं कि जो डाटा आप लोगों ने फॉरम में भरा था, मोबाइल नंबर, गांव का नाम, पापा का नाम, अपना नाम, गांव, सब वही डाटा आपको इसमें फिलअप करना है। कुछ बच्चों का नाम पंकज केसरी है तो मोबाइल में पंकज केसरी लिखे हैं, फॉरम में पंकज प्रसाद लिख दिए हैं, कन्फ्यूजन है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप अपना नाम में भी गड़बड़ है, मोबाइल नंबर में हो सकता है, मान सकते हैं कि हाँ मोबाइल नंबर याद नहीं, लेकिन नाम किसी को याद नहीं वैसा कैसे हो सकता है, गांव का नाम किसी को याद नहीं वैसा कैसे हो सकता है। तो आप कोशिश करिए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, यदि आपका फॉरम वाला मैचिंग नहीं करता होगा तो आप एडिट भी कर दीजिएगा, अपना गाँव का नाम, मोबाइल नंबर, पापा का नाम, सब जो भी है, जो डिटेल आपने फॉरम में भरा था बिल्कुल वही फॉरम आपको मोबाइल में फिलअप करना है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। हमें बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, कन्फ्यूजन हो जा रहा है, एक नाम के 4-5 बच्चे हैं और उसमें से कौन सा आपका है, क्योंकि आपका भी तो सही से मैच नहीं कर रहा, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। इसके साथ ही साथ एक और भी बात है, 20 तारीख के पहले जो बच्चे इंस्टॉल किए थे, जो बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे, वो फोटो फिर से डाल देंगे। कुछ बच्चे फोटो फिर से डाल चुके हैं, लेकिन यदि आपका फोटो नहीं डाला हुआ है तो आप फिर से फोटो डाल दीजिएगा। थोड़ा सा इस चीज़ को देख लीजिएगा, 20 तारीख के पहले जितना लोगों ने
मोबाइल ऐप इंस्टॉल किया था, मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं, वो लोग जो है फोटो फिर से थोड़ा डाल देंगे, इसी की जरूरत थोड़ा देख लीजिएगा। तो अब हम लोग जो है दूरदृष्टि दोष के बारे में बात करेंगे, दूरदृष्टि दोष को समझेंगे, देखेंगे। अभी हम लोग दूरदृष्टि दोष के बारे में बात कर रहे हैं। दूरदृष्टि दोष क्या है थोड़ा समझिएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। होता क्या है, नजदीक की वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पीछे कट जाती है। फिर से वही प्रॉब्लम, जब तक रेटिना पर नहीं कटेगा आपको नहीं दिखेगा, जब तक रेटिना पर नहीं कटेगा आपको नहीं दिखने वाला है। तो निकट दृष्टि दोष में पहले ही कट जा रहा था, और दूर दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पीछे कट जाती है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बीमार आंख है, ये चलिए अच्छा आंख है ये, तो अच्छा आंख में नेत्र लेंस अपवर्तन के बाद रेटिना पर कटती है, रेटिना पर कटती है। लेकिन यदि ये बीमार आंख हो जाए तो नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पीछे कटती है। समझने की कोशिश करेंगे, यदि अच्छा आंख है तो रेटिना पर कटती है, और यदि खराब आंख है तो रेटिना के पीछे कटती है। तो रेटिना के पीछे कटती है इसका मतलब हुआ कि फोकस दूरी बढ़ जाती है, और फोकस दूरी अधिक होता है, हम आपको बता चुके हैं पिछला वीडियो में, पतला लेंस का फोकस दूरी अधिक होता है पतला लेंस का, और कम होता है मोटा लेंस का। तो उसमें फोकस दूरी कम हो जा रहा था, इसका मतलब उस निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा हो जा रहा था। इसमें फोकस दूरी अधिक हो जा रहा है, इसका मतलब है कि इसमें लेंस पतला हो जा रहा है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु से चली किरण दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं, सॉरी दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। नजदीक की वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पीछे कट जाती है। तो रेटिना के पीछे कट जाती है इसका मतलब है कि इसमें फोकस दूरी बढ़ जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है इसका मतलब है कि नेत्र लेंस पतला हो जाता है। तो दूर दृष्टि दोष के बारे में हम कहेंगे कि दूर दृष्टि दोष वह दोष जिसमें दोषी आंख दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है लेकिन नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसमें नजदीक की वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पीछे कटती है, जिससे प्रतिबिंब धूमिल बन जाता है, धुंधला हो जाता है, अस्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इस दोष के मुख्यतः दो कारण है, एक नेत्र लेंस की पतला हो जाना, दूसरा फोकस दूरी का बढ़ जाना। अब हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। ये तो अभी समझ गए होंगे इसके इलाज में कि दूर चूंकि कट रहा है तो मुझे किरणों को दबाना होगा, चूंकि रेटिना के पीछे कट जा रहा है तो मुझे किरणों को दबाना होगा, जब तक किरण को दबाएंगे नहीं रेटिना पर आएगा नहीं। मान थोड़ा सा ज्यादा नजदीक हो गया है, हम इसको एक बार फिर से बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसमें आप देख सकते हैं दूरदृष्टि दोष में कि नजदीक की वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस अपवर्तन के बाद रेटिना के पीछे कट जाती है। पिछला फिगर थोड़ा सा ज्यादा नजदीक हो गया था, ज्यादा दिख नहीं रहा था, दूर कट रही है, रेटिना के पीछे कट रही है, और मुझे इसका इलाज करना होगा तो स्वाभाविक सी बात है इन किरणों को रेटिना पर ही कटाना होगा। जब तक ये किरणें रेटिना पर नहीं कटेंगी हमें दिखाई देने वाला नहीं है। तो रेटिना पर कटाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो किरणों को दबाना होगा। रेटिना पर कटाने के लिए हमें किरणों को और दबाना होगा, जब तक ये किरणें दबेंगी नहीं रेटिना पर कटेगा नहीं। और किरणों को दबाने का काम, प्रेस करने का काम अभिसारी लेंस का है, यानी उत्तल लेंस का है, यानी कुल मिलाकर दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें, आपको पता होगा कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो फिर से वही सवाल जिसके बारे में पिछला वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि नजदीक किसको कहेंगे, दूर किसको कहेंगे।
दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है, नजदीक की दिखाई नहीं देती। तो दूर मतलब कौन कितना और नजदीक मतलब कौन कितना। दूर दृष्टि दोष वाले आंख के लिए दूर कौन है और नजदीक कौन है। निकट दृष्टि दोष में आसान था, निकट दृष्टि दोष में हमने आपको बताया शायद याद होगा कि जहां तक दिखे वो नजदीक है, जहां से दिखना बंद हो जाए वो सब दूर है। जहां तक दिखे वो सब नजदीक है, जहां से दिखना बंद हो जाए वो सब दूर है। निकट दृष्टि दोष में सामने बताया, दूर दृष्टि दोष में हम लोग सब कंफ्यूजन है। दूर दृष्टि दोष में ध्यान देंगे, दूर दृष्टि दोष में दूर कौन नजदीक कौन, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। इस सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे, जैसे देखिएगा ये हमारा अच्छा आंख है, तो अच्छा आंख है तो अच्छा आंख में 25 सेंटीमीटर तक तो दिखाई नहीं देता, यहां तक तो बात ही नहीं कर रहा है। तो आपको भी पता है ये एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, ये कहें कि 25 सेंटीमीटर के पहले का तो बात ही नहीं करना, 25 सेंटीमीटर से कम के बारे में तो बात ही नहीं करना है, चाहे आंख खराब हो या अच्छा हो, ऐसा हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो 25 सेंटीमीटर या अच्छा है अभी तो 25 सेंटीमीटर तक आपको नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा आंख है तो भी, लेकिन 25 के बाद आपको हर जगह का दिखाई दे रहा है, सबका दिखाई दे रहा है, हर दूरी का दिखाई दे रहा है, चाहे नजदीक हो दूर हो सबका दिखाई दे रहा है, अच्छा आंख है तब। अब बात कर रहे हैं ये बीमार आंख है जिसमें दूर दृष्टि दोष है, ये बीमार आंख है और इसमें दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष है तो आपको ही पता है 25 तक तो आपको पहले नहीं दिख रहा, ये तो बात ही नहीं करना, 25 तक तो आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा, इसके बारे में तो बात ही नहीं कीजिए। लेकिन दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता, बात को समझिए, दूर का दिखता है नजदीक का नहीं दिखता। तो कहेगा कि नजदीक का तो सर इसमें भी नहीं दिख रहा, 25 सेंटीमीटर से कम का तो इसमें भी नहीं दिख रहा, अच्छा आंख है तो भी, लेकिन यहां पर नजदीक उसको नहीं कह रहा। 25 से कम के तो बारे में आपको सोचना ही नहीं है, 25 से हम पहले भी बोल चुके हैं कि एक ऐसा चीज जो सबके पास हो उसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो 25 सेंटीमीटर तक किसी को नहीं दिखाई देता, इसीलिए उसके बारे में नहीं सोचना। यदि 25 से कम मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, 25 से कम किसी और को नहीं दिखाई दे रहा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें बीमारी है, नहीं ठीक है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इसमें 26 का 27 का 28 का 30 का दिख रहा है, लेकिन इस आंख में नजदीक का नहीं दिख रहा, मतलब 30 का भी नहीं दिख रहा, 32 का भी नहीं दिख रहा, 40 का भी नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें 26 का 28 का 30 का 32 का 40 का 50 का सब दिख रहा, लेकिन इसमें जो है 25 के बाद भी नहीं दिख रहा, 30 का 35 का 40 का 50 का नहीं दिख रहा। तो आखिर कहां तक नहीं दिख रहा, क्योंकि दूर का तो दिखाई देता है, इसमें दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता। 25 से कम तो बातें नहीं करना, तो हम 30 पर रखकर देखें, 30 पर रख कर देखे नहीं दिख रहा था, 40 पर रख कर देखे नहीं दिख रहा है, 50 पर रख कर देखे नहीं दिख रहा है, 60 पर रख के देखे नहीं दिख रहा है, लेकिन 61 पर रख रहे तो दिख रहा, यानी 60 के बाद अब दिख रहा है, बात को समझिए, 60 के आगे जब हम जा रहे हैं तो मुझे अब सब जगह का दिख रहा है, 60 से पहले तक का नहीं दिख रहा, समझने की कोशिश कीजिएगा, 60 के बाद दिख रहा है, 60 के पहले नहीं दिख रहा है, 60 के बाद हम कहीं भी रख रहे हैं तो दिख रहा है लेकिन 60 के पहले नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि 60 के बाद वाला सब के सब दूर हुआ, क्योंकि इसमें दूर का दिखता है नजदीक का नहीं दिखता, और 60 के बाद वाला दिख रहा है, इसका मतलब है कि 60 के बाद वाला सब के सब दूर हुआ और 60 के पहले वाला सब नजदीक हुआ। फिर समझिए, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है नजदीक का नहीं दिखता। तो दूर का दिखता है नजदीक का नहीं दिखता, तो हमने ट्राई किया कि कहां तक नहीं दिख रहा है, तो 70 का दिख रहा है, 90 का दिख रहा है, 100 का दिख रहा है, 60 का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 60 वाला नजदीक हुआ। जब 60 का दिख रहा, 50 का भी नहीं दिख रहा, 40 का भी नहीं दिख रहा, तो ये सब नजदीक हुआ, लेकिन 60 के सब बाद वाला सब दूर हुआ, 60 के बाद वाला सब दूर हुआ और 60 के पहले वाला सब नजदीक हुआ।
तब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो डॉक्टर इलाज करेगा, डॉक्टर जो इलाज करेगा वो यही इलाज करेगा कि आप नजदीक का देख सके, क्योंकि दूर का तो आप देख ही रहे हैं। डॉक्टर इलाज करेगा तो ये इलाज करेगा कि आप नजदीक का देख सके, क्योंकि दूर का देख रहा है तो नजदीक का देख सके, क्या 25 से पहले का भी देख सके। डॉक्टर जो इलाज करेगा वो क्या इलाज करेगा कि 25 से पहले का भी देख सके, नहीं, आप जो देख, चूंकि 60 के पहले आप नहीं देख पा रहे हो, 60 के बाद का देख पा रहे हो, तो डॉक्टर जो आपको दिखाने की कोशिश करेगा, जो इलाज करने की कोशिश करेगा वो 25 से लेकर 60 तक ही, यही आपको एरिया वो दिखाने योग्य बना देगा। तो समझिए कि आपका इलाज हो गया, क्योंकि इसके पहले वाला तो बात ही नहीं कर ली। इसी एरिया को आपको दिखाना है, क्योंकि इसके बाद आपको दिख रहा है, इसके बाद आपको दिख रहा है, और इसके पहले तो किसी को नहीं दिख रहा। तो यही एरिया है जिसको दिखाना है, और यही एरिया है जो आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें अच्छा आंख वाला में यहां तक सबको दिख रहा था और आपको ये नहीं दिख रहा, मतलब ये बीमारी है। और डॉक्टर जो इलाज करेगा वो इसी का इलाज करेगा। तब हम बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई दोषी आंख है, कोई दोषी आंख है जो कम से कम 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु को देख पा रहा है, कम से कम 60 पर रखी हुई देख पा रहा है, 60 से कम का नहीं देख पा रहा। माना कोई दोषी आंख है जो 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को देख पाता है, 60 से पहले रखी हुई वस्तु को नहीं देख पाता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, 60 की बात कर रहे हैं। माना कोई दूर दृष्टि दोष से पीड़ित आंख है जो 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है, 60 के बाद देख पाता है, यानी कम से कम 60 पर रखना होगा तो ही देख पाएगा, कम से कम 60 पर रखना होगा तो ही देख पाएगा, 60 के पहले रखिएगा तो नहीं देख पाएगा। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि माना कोई दोषी आंख कम से कम डी दूरी पर रखी वस्तु देख पाता है, कम से कम डी दूरी पर रखी वस्तु देख पाता है, डी से कम रखिएगा तो नहीं देख पाता है, कम से कम डी पर रखेगा तो देख पाता है, इससे कम नहीं देख पाता है। तो डॉक्टर जो इलाज करेगा वो क्या करेगा, तो यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यदि यहां बन जाए या इसके बाद बन जाए, यानी 25 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, जो एग्जांपल दे रहे थे 25 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 60 या उसके बाद कहीं भी बन जाए तो हम देख सकते हैं, क्योंकि 60 के बाद का तो हम देखते हैं, 60 के बाद का ही तो हम देखते हैं, 60 से पहले रखिएगा तो नहीं दिखेगा। तो यदि हम व्यवस्था ऐसा करें कि 25 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 60 या उसके बाद बन जाए तो हम उसको देख सकते हैं, तब हम एबीसीडी में समझते हैं कि दोषी आंख चुकी कम से कम डी दूरी पर रखी वस्तु देख पाता है, कम से कम डी, इसके पहले का नहीं देख पाता, तो यदि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब डी पर, कम से कम डी पर या उसके बाद बन जाए, 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कम से कम डी दूरी पर या उसके बाद कहीं भी बन जाए तो हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारे रेंज में आ जाएगा। तो फाइनली वस्तु रखा हुआ है डी पर, यानी 25 सेंटीमीटर पर, वस्तु दूरी आपका हो गया 25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी हो गया हमारा डी पर, यानी डॉक्टर जो इलाज करेगा वो यहां पर का दिखाएगा नहीं, वो आपको यहां का दिखा देगा, तो समझिए आप यहां वाला भी देख सकते हैं, टोटल रेंज आपको एक बार लेकर चल दिया। तो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यदि डी दूरी पर बन जाए तो हम उसको देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यदि डी दूरी पर बन जाए तो हम उसको देख सकते हैं। तो फाइनली यू का मान 25 सेंटीमीटर, यानी 25 न लेकर के हम कैपिटल डी ले लेंगे, यू का मान कैपिटल डी और डी का मान स्मॉल डी, 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्मॉल डी दूरी पर बनाना है, यू का मान माइनस डी, वी का मान भी माइनस डी, एफ का मान निकालना है। अभी आप लोगों का एक सवाल होगा, भले ही सवाल उतना पकड़ पाए होंगे नहीं पकड़ पाए हो, वी का मान सर आपने पीछे वाला में भी माइनस लिया था और इसमें भी माइनस लिया है, ऐसा क्यों? वी का मान आप लोग इस सवाल को सोचे तब तक कि वी का मान माइनस कैसे पॉसिबल हुआ, आप कैसे जान गए कि वी का मान माइनस ही होगा? पीछे वाला में निकट दृष्टि दोष वाला में भी का मान हमने माइनस लिया था, यदि आप नोटिस किया होगा देखिएगा तो आपको पता चलेगा भी का मान माइनस लिया हुआ है, इसमें भी का मान माइनस लिया हुआ है, कैसे जानेंगे कि भी का मान माइनस ही होगा?
इसको हम लोग समझेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यू का मान माइनस डी, वी का मान माइनस डी, एफ का मान निकालना है। सूत्र होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, तो 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बाई माइनस 1 बाई डी इक्वल टू 1 बाई एफ, माइनस 1 बाई डी माइनस माइनस प्लस 1 बाई डी इक्वल टू 1 बाई एफ, फाइनली 1 बाई कैपिटल डी माइनस 1 बाई स्मॉल डी इक्वल टू 1 बाई एफ। यही हमारा दूरदृष्टि दोष का सूत्र हुआ। इस सूत्र से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं कि कितने फोकस दूरी का लेंस हमें चाहिए, कितने फोकस दूरी का चश्मा मुझे चाहिए। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं 1 बाई कैपिटल डी माइनस 1 बाई स्मॉल डी इक्वल टू 1 बाई एफ। यदि आप डायग्राम समझ रहे होंगे तो कैपिटल डी का मान 25 होगा, स्मॉल डी का मान 25 से ज्यादा होगा, 60-70 जो हमने एग्जाम्पल में समझाया था कि मानिए एग्जाम्पल की बात करें, इसका मान 60 होगा, इसका मान 25 होगा, सॉल्व करिएगा तो इसका मान प्लस में आएगा क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है, नीचे वाला ये 25 है ये 60 है, तो नीचे वाला ज्यादा है कम है तो टोटल भाग ज्यादा आएगा, इसमें नीचे वाला ज्यादा है टोटल भाग कम आएगा, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, घटाएंगे तो प्लस आ जाएगा। यानी इसमें धनात्मक फोकस दूरी का चश्मा चाहिए। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए धनात्मक फोकस दूरी के चश्मे का इस्तेमाल हम लोगों को करना होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऋणात्मक फोकस दूरी के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, यानी अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए धनात्मक फोकस दूरी के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए धनात्मक फोकस दूरी के चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भी का मान ऋणात्मक कैसे हुआ। भी का मान दोनों में ही, निकट दृष्टि दोष में भी माइनस था, दूर दृष्टि दोष में भी माइनस था, तो भी का मान ऋणात्मक कैसे हुआ हम लोग अब इसी पर विचार करेंगे। ध्यान दीजिएगा निकट दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं, अभी का जो हम पॉइंट शुरू कर रहे हैं कि भी का मान ऋणात्मक कैसे हुआ। पहले हम आपको डायग्राम और थ्योरिटिकल समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली हमारे अगल बगल में कैसे होता है हम उस पर भी बात करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो आपने थ्योरी पीछे पढ़ा है, पीछे का मतलब है जो लेंस और दर्पण में पढ़ा है, उस थ्योरी को कुछ देर के लिए आप इग्नोर कर दीजिए, उस थ्योरी को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि आपको यहाँ समझने में आसानी होगी। अब बार बार उसी को घुसाते रहिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले आप थ्योरिटिकल समझिए, फिर आपको प्रैक्टिकली हमारे आसपास में कैसे होता है वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे, आप परेशान ना हो। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। ये आंख है, अभी ये केवल आंख है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, मतलब इस आंख से ये वाला दिख रहा है लेकिन ये वाला नहीं दिख रहा, ये इस आंख से ये वाला दिख रहा है लेकिन ये वाला नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, तो हम एक चश्मा पहन लेते हैं, यानी एक लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा चश्मा हुआ। समझेगा, अभी मान के चलिए फिर से ये नहीं है, तो इस आंख से ये वाला दिख रहा है लेकिन ये वाला नहीं दिख रहा, इस आंख से ये वाला दिख रहा है लेकिन ये वाला नहीं दिख रहा, यानी निकट का दिखता है दूर का नहीं दिखता। अब हम चश्मा का इस्तेमाल कर दिए, और जैसे ही चश्मा का इस्तेमाल किए ये जो आंख है अब आप इसको देख रहा है। चश्मा का इस्तेमाल नहीं किए थे तो इसको नहीं देख पा रहा था, लेकिन चश्मा का इस्तेमाल किए तो ये जो है अब देखा जा रहा है। इसका मतलब है चश्मा क्या किया, चश्मा का काम क्या था, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब, चश्मा के लिए जो चश्मा वाला लेंस है उसके लिए ये वस्तु हुआ, चश्मा के लिए ये वस्तु हुआ, और चश्मा क्या किया तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना दिया। चश्मा क्या किया तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना दिया, और जो हमारा आंख है, जो हमारा आंख है अब इसी प्रतिबिंब को देखता है, अब इसको नहीं दिखता क्योंकि इसको तो वो दिखाई नहीं दे रहा, वो इस आंख को हमने पहले ही बताया कि ये नहीं दिखाई दे रहा है, इस आंख को ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे हमने चश्मा इस्तेमाल किया ये दिखने लगा। क्यों, कैसे दिखने लगा, क्योंकि चश्मा क्या किया तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना दिया जहां की उसको दिखाई दे रहा था, उसके रेंज में बना दिया, और जैसे ही उसके रेंज में बन गया ये आंख जो है अब इसको देख पा रहा है, यानी इसके प्रतिबिंब को देख पा रहा है हमारा आंख।
चश्मा का काम ही यही है कि जहां पर वस्तु है उसको उठा करके उस व्यक्ति के जो रेंज है देखने का, उस रेंज में उसका प्रतिबिंब बना दे, जैसा कि हम थ्योरी पीछे बता रहे थे। दूर का दिख रहा, नजदीक का नहीं दिख रहा, तो यदि दूर की स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यदि नजदीक बन जाए तो हम उसको देख पाएंगे। तो यहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यदि यहाँ बन गया तो हम उसको अब देख पाएंगे। तो चश्मा का काम केवल इतना ही है कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बना दे और चश्मा काम खत्म। चश्मा का काम केवल है कि यहाँ की वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना दे और उसको देख पा रहा है, क्लियर। यानी जो हमारा आंख है इसी प्रतिबिंब को देखता है। अब हम बात करेंगे ऋणात्मक कैसे हुआ। तो ऋणात्मक आप देखिएगा, लेंस के लिए चश्मा के लिए वस्तु भी लेफ्ट साइड है, प्रतिबिंब भी लेफ्ट साइड है। लेंस के लिए वस्तु भी लेफ्ट साइड है, प्रतिबिंब भी लेफ्ट साइड ही है। वस्तु जो लेंस है हमारा, लेंस के लिए वस्तु भी लेफ्ट साइड है, प्रतिबिंब भी लेफ्ट साइड ही बनता है, इधर ही बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कि U और V दोनों ही माइनस होता है। अब हम बात कर रहे हैं दूरदृष्टि दोष को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूरदृष्टि दोष में नजदीक का दिखता है, सॉरी दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। यानी दूरदृष्टि दोष में ये वाला दिख रहा है, यदि केवल आंख की हम बात करें तो इस आंख से ये दिख रहा है लेकिन ये वाला नहीं दिख रहा। इस आंख से ये वाला दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा। इसको दिखाने के लिए हम एक व्यवस्था करेंगे, चश्मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने चश्मा का इस्तेमाल किया, लेंस का इस्तेमाल किया, लेंस का काम क्या है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना दे। यानी हम बात करें, चूंकि ये दिख नहीं रहा था आंख को, ये नहीं दिख रहा था, तो हमने चश्मा इस्तेमाल किया। तो चश्मा क्या किया, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना दिया, दूर बना दिया, क्योंकि दूर का दिखाई दे रहा था इसको, तो नजदीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूर ले जाकर रख दिया, दूर जाके बना दिया, यहां प्रतिबिंब बना दिया और उसको दिखने लगा, क्योंकि उसको दूर का ही दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। तो चश्मा क्या किया, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना दिया और आंख जो है इसी प्रतिबिंब को देख पाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि वस्तु भी लेफ्ट साइड है, प्रतिबिंब भी लेफ्ट साइड है, दोनों ही लेफ्ट साइड में ही है, इसीलिए U और V दोनों ही माइनस हुआ है। U और V का मान दोनों ही माइनस हुआ है, निकट दृष्टि दोष में भी, दूर दृष्टि दोष में भी, क्योंकि दोनों में ही लेफ्ट साइड ही बनता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ को समझिए कि किस तरह से काम करता है प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे हम बात करें, मान लीजिए हमें प्रॉब्लम है, हमें ये कला नहीं दिख रहा, ये दूर है, क्योंकि मेरा हाथ ही उतना ही है, ये दूर रखा हुआ है और मुझे दूर का नहीं दिखाई दे रहा, मतलब निकट दृष्टि दोष है, मुझे निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो हम यदि चश्मा पहनेंगे तो निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। चश्मा पहनेंगे तो इसी को यहाँ लेके आएगा, वस्तु यहाँ था, चश्मा पहनने से इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना देगा और हम देख पाएंगे। ये नहीं कि इसका हमारे लेंस के पीछे नहीं बनाएगा, वस्तु और प्रतिबिंब जो भी है हमारा, चश्मा या लेंस, आंख जो भी है, वो सब इधर ही रहेगा, पीछे नहीं प्रतिबिंब बनाएगा। कभी भी चश्मा प्रैक्टिकली समझे तो पीछे नहीं ले जाएगा, इधर ही रहेगा। तो हम यदि बात करें दूर का मुझे नहीं दिखता, नजदीक का दिखता है, तो चश्मा जब पहनेंगे तो दूर की स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नजदीक बना देगा, निकट बना देगा और हम देख पाएंगे, यही कंडीशन होता है। हम मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि 7 फीट की दूरी पर स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन 4 फीट की दूरी पर स्थित वस्तु को देख पा रहे हैं। हम 4 का देखते हैं, 7 का नहीं देखते, प्रैक्टिकली समझिए। हम 4 का देख पाते हैं, 7 का नहीं देख पाते, चश्मा पहन लिए दिखने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, 7 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 4 पर बन गया, लेकिन बना लेफ्ट साइड, दोनों एक ही तरफ, हमारे आंख के सामने ही सब घटनाएं हो रही हैं। जो भी घटनाएं हो रही है वस्तु और प्रतिबिंब बनने की, वो हमारे आंख के सामने ही है, मतलब लेफ्ट साइड है, इसीलिए माइनस की बात हुआ। दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता, मतलब 15 फीट की दूरी पर दिख रहा है, 4 फीट की दूरी पर नहीं दिख रहा, 15 फीट की दूरी पर का दिख रहा, 4 फीट की दूरी पर का नहीं दिख रहा। तो चश्मा पहने दिखने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, 4 फीट पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 15 फीट में जाके बन गया। जैसे ही चश्मा पहने, 4 फीट की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 15 फीट में बन गया, हमें दिखने लगा।
यही फाइनली होता। आप देखेंगे यदि कोई दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति कोई हो तो उनको कोई कागज दिखाइए कि हाँ ये काका देखिए, तो ऐसे करके देखते हैं। देखिएगा यदि आप, वो ऐसे ले जाकर देखता आदमी, इसका मतलब है कि वो दूर ले जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि वही चश्मा पहन लेते हैं ना तो उनको कागज दूर ले जाना नहीं पड़ता, चश्मा ही लेंस जो है उस कागज को दूर कर देता। और चश्मा नहीं पहनिएगा तो आपको हाथ से दूर ले जाना पड़ेगा तो आप देख पाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए, आप देखे होंगे हमारे अगल बगल में समाज में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको कोई कागज दीजिएगा तो ऐसे ऐसे करके देखता है, दूर करके देखता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने चश्मा नहीं पहना। लेकिन यदि चश्मा पहनेंगे तो उनको कागज दूर ले जाना नहीं पड़ेगा, वो चश्मा है जो लेंस है उसका प्रतिबिंब दूर बना देगा। तो ये फाइनली हमारा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हुआ। हम अगले वीडियो में जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान दीजिएगा सब लोग वीडियो को, थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि पीछे के कुछ बच्चों को हम देख पा रहे हैं कि शुरू शुरू वीडियो देख करके उनका पढ़ने का रुझान बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे लोग, लेकिन अब धीरे धीरे फिर वही क्लास वाली नौबत आ गई कि शुरू शुरू क्लास वाली में कहा था भोजपुरी में कि नया नया नौ दिन वाली बात है कि आप शुरू में क्लास खुलता है बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लापरवाही शुरू हो जाती है। वही बात वीडियो पर भी हुआ है, शुरू शुरू जब बहुत दिन से क्लास बंद था अब वीडियो पर आदमी स्टार्ट किया तो बहुत से बच्चे मेहनत कर रहे थे, सवाल भी पूछ रहे थे, देख रहे थे वीडियो को। अब जो है हम देख पा रहे हैं कि बच्चे सवाल पूछना बंद कर दिए हैं, मेहनत उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर आप लोग मेहनत कीजिए, इस तरह से अपने प्रतिष्ठा को अपने रुझान को कम मत कीजिए। तो हम लोग अगले वीडियो में जो है जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।